सब्सक्राइब करें आदित्य मोटरबाइक चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे आपको हमारे वीडियोस की न्यू अपडेट मिलती रहे। जैसे आदित्य प्रताप और स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल आदित्य मोटरबाइक पर। तो जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल का जो मेन मोटो है वो स्पोर्ट्स बाइक के ऊपर ही है, लेकिन मेरे को इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों ने मैसेज करा था कि भाई आप स्कूटीज पर भी वीडियो बनाएं, एवरेज वाली गाड़ियों पर भी वीडियो बनाएं। तो आज हम स्कूटी पे वीडियो बनाना चालू कर रहे हैं और एवरेज वाली गाड़ियों पर बनाएं जिसके लुक में वो अच्छी दिखती हैं और जो माइलेज और एवरेज भी अच्छी देती हैं। तो आज हम बात करेंगे हीरो की माइस्ट्रो एज के बारे में। तो इसके बारे में बताने से पहले आप इसके रिव्यू ले लें, फिर बात करेंगे इसके बारे में। Fibad. बात करते हैं इसके लुक के बारे में। इसका जो लुक है वो अदर स्कूटी से कंपैरिजन बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही डैशिंग है। उसका जो कलर है वो मेरे को बहुत ही पसंद है क्योंकि सनलाइट में इसका कलर जो है वो शाइन होता है, तो उससे बहुत गाड़ी अट्रैक्टिव लगती है। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके सीट के बारे में। इसमें आपको 135mm की सीट मिल जाएगी जो कि बहुत लंबी सीट है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से राइड कर पाएंगे और एटलीस्ट 3 लोग का बैठ के इसमें अच्छे कंफर्टेबली राइड कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। तो इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट इंडिकेटर्स का कोई साइन मिल जाएगा और इसमें आपको साइड स्टैंड का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इसके जो स्विचेस की जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, वही बहुत अच्छी दी गई है। फ्यूल टैंक को तो आप उसका हार्डली पुश करें और इसको राइट घुमाएं तो आपका फ्यूल टैंक खुल जाएगा। क्या देख सकते हैं ये कि बहुत अच्छा फीचर दिया गया है इस फ्यूल टैंक का, वरना आपको सीट के अंदर इनबिल्ट मिलता था तो बार बार आपको सीट खोलनी पड़ती थी आपकी और अपने फ्यूल खोलना पड़ता था। आप यहाँ से इसको खोल सकते हैं, ऑटोमेटिक इसकी डिक्की खोल सकते हैं। इसको आप थोड़ा सा लेफ्ट पुश करें और इसकी डिक्की खुल गई। जैसे देख सकते हैं आपको इसमें बहुत अच्छी स्टोरेज मिल जाती है। आपको यहाँ लैंप भी मिल जाता है और आपको यहाँ चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, जैसे आप देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा फीचर है, आपको इसमें चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए और आपका मोबाइल अगर चार्ज नहीं है, स्विच ऑफ है, तो आप यहाँ से उसको चार्ज कर सकते हैं। और आपके हेलमेट के लिए आपको इसमें यहाँ पे सफिशियंट स्टोरेज मिल जाता है। तो अब बात करते हैं इसके इंजन डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो इसमें आपको 110cc का आपको इसमें इंजन मिल जाएगा और इसमें आपको 8.31 bhp, इट मीन्स 8000 rpm का इसमें आपको पावर मिल जाएगा, और 8.3 nm, इट मीन्स 6500 rpm का इसमें आपको टॉर्क मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसके वॉल्स पर सिलेंडर के बारे में। इसमें आपको वॉल्स पर सिलेंडर 1 दिया जाएगा और इसमें आपको सिंगल सिलेंडर मिलेगा। इसके फ्यूल डिलीवर सिस्टम की बात करी जाए, इसमें आपको कार्बोरेटर मिलेगा और इसमें आपको फ्यूल टाइप सिस्टम जो मिलेगा वो पेट्रोल मिलेगा। बात करते हैं इसके ब्रेकिंग के बारे में। इसमें आपको IBS मिल जाएगा और इसमें आपको 2 टाइप में जो ब्रेक्स मिलेंगे वो ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, और इनके जो ब्रेक का साइज़ है वो 130mm आपको मिलेगा। इसमें आपको कूलिंग सिस्टम, एयर कूलेंट मिल जाएगा। और अब आते हैं इसके टायर्स पर। तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर प्लस एलॉय व्हील्स मिलेगा।
अब बात करते हैं इसके टॉप स्पीड की। तो मैंने इस गाड़ी को एब्जॉर्ब टॉप स्पीड जो इसकी मैंने करी है वो है 80-90 की टॉप स्पीड में मैंने इस गाड़ी को ले जा चुका हूँ। और अब बात करते हैं इसके फ्यूल कैपेसिटी के बारे में। तो इसमें आपको 5.30 लीटर्स की फ्यूल कैपेसिटी मिल जाएगी और 1.8 लीटर्स की आपको इसमें रिजर्व कैपेसिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। कंपनी माइलेज जो कह रही है इसमें आपको 60 किलोमीटर पर लीटर का इसमें आपको माइलेज मिलेगा, लेकिन मैंने जिस गाड़ी में ऑब्जर्व किया है वो 50 to 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर का इसमें आपको एवरेज मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कुछ मिस्टेक्स हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।